तो दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया मिशन को अब एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पर एक भारतीय कंपनी को विश्व के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका की एक सबसे महंगी सिटी में बनने वाले एक सोलर प्रोजेक्ट में जो भी सोलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे वो सारे के सारे मेड इन इंडिया होंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमारे देश की कंपनी वारी सोलर्स को। इस कंपनी की शुरुआत 1989 में की गई थी और ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, जहाँ पर यूएस के द्वारा कुछ महीने पहले वारी सोलर्स को 300 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल्स के प्रोडक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और वारी सोलर्स ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में 300 प्लस मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स का उत्पादन किया गया है और इसमें 250 मेगावाट पीवी सोलर्स ऐड हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है वेस्टलैंड सोलर पार्क, जो कि है कैलिफोर्निया सैन जोकिन वैली में। ये WSP यानी कि वेस्टलैंड सोलर पार्क का पहला चरण है। आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी सोलर्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। यहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल्स की बात करें, 385-390 WP मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के सोलर मॉड्यूल्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के बारे में वारी सोलर्स का क्या कहना है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हम टोटल बात करें वारी सोलर्स के बारे में, तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड 3 गीगावाट सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया है। साथ ही में सुनील राठी, जो कि डायरेक्टर इन वारी सोलर्स हैं, कि भारत में आ रहे इस तरह के प्रोजेक्ट से आत्मनिर्भर भारत को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और भारत के अंदर विदेशी करेंसी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स खर्च किए गए हैं। साथ ही में लगातार बढ़ रहे प्रोडक्शन से देश के अंदर रोजगार भी विकसित होगा। साथ ही में कैलिफोर्निया में बनने वाले सोलर पार्क को विश्व के बड़े सोलर पार्क्स में भी काउंट किया जाएगा। दोस्तों, ये वारी सोलर्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छा अपडेट सामने निकल के आया है। साथ ही में क्या आप लोग चाहते हैं कि मेड इन इंडिया सोलर्स दुनिया भर में देखे जाएं और इस्तेमाल किए जाएं? इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रोजाना भारत के छोटे बड़े अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।